फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, आजम खान को रिहा करो, आजम खान को रिहा करो। काफी समय से सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सपा सांसद आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर आजम खान के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, रिहाई की करी मांग। सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सपा सांसद आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर आजम खान के समर्थकों ने प्रदर्शन कर रिहाई की मांग करी है। जिला पंचायत मुरादाबाद के वार्ड 32 के सदस्य मोहम्मद शमी ने बताया कि लगभग 18 महीने से विभिन्न फर्जी मुकदमों में कारागार में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जल्द जेल से रिहा किया जाए, जबकि विभिन्न मुकदमा होते हुए भी व्यक्ति को बेल दे दी जाती है। उन्हें अपने ऊपर लगे मुकदमों की पैरवी करने का मूल अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला को राजनीति, कूटनीति एवं षड्यंत्र के अंतर्गत प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ही उनका ठीक से इलाज तक नहीं होने दिया जा रहा। पूर्व में आजम खान कोरोना संक्रमित भी हो गए थे। लंबी बीमारी के चलते हुए भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया। उन्हें स्वस्थ हुए बिना ही अस्पताल से जेल भेज दिया गया। उनके परिवार के किसी भी सदस्य व उनके नजदीकी व्यक्ति को भी मिलने तक नहीं दिया जा रहा। बोलते हुए जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शमी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति भेदभाव कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर परेशान करने की नीयत से राजनीति में उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से जेल से रिहा नहीं करना चाहते, जबकि कोरोना काल में विभिन्न मुकदमों में जेल काट रहे व्यक्ति को कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए रिहा कर दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाती है कि जल्दी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहा किया जाए। ज्ञापन देने वालों में राशिद सिद्दीकी, सुभाष कश्यप, विवेक सैनी, विकास सैनी, होरीलाल, अरविंद कुमार, मुकेश पाल, सुभाष राजपूत, राजेंद्र सिंह, इदरीश हुसैन, आखिल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष युद्ध ब्रिगेड मुरादाबाद आदि लोग शामिल रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमी है, जिला पंचायत सदस्य वार्ड 32 मुरादाबाद से हूँ। माध्यमिक विद्यालय प्रबंध सभा उत्तर प्रदेश का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। आज हम महामहिम राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन देने आए हैं, जो ज्ञापन हमारे जिला अधिकारी महोदय द्वारा भेजा जाएगा। हमारा ज्ञापन में जो हमारी मांग है वो माननीय मोहम्मद आजम खान साहब को रिहा करने की मांग है। माननीय मोहम्मद आजम खान पिछले 18 महीनों से जेल में बंदी हैं और उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी ख़राब रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका स्वास्थ्य खराब होते हुए भी मेहता हॉस्पिटल से जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ये जानती थी कि उनका स्वास्थ्य खराब है। एक षड्यंत्र के तहत उनको एक दफन और ख़त्म करने की राजनीति उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार बताएं कि आजम खान साहब क्या भैंस चोरी करेंगे, किताबें चोरी करेंगे, मुर्गा चोरी करेंगे? इसी तरीके के विभिन्न मुकदमे आजम खान साहब पर पंजीकृत हुए हैं, जिन मुकदमों का कोई आधार नहीं है, जिन मुकदमों की कोई सच्चाई नहीं है, सारे फर्जी मुकदमे हैं। जो मुकदमे वापस होने योग्य हैं, निरस्त करने योग्य हैं, ऐसी स्थिति में माननीय आजम खान के ऊपर लगे मुकदमे वापस हों और वापस करते हुए माननीय मोहम्मद आजम खान साहब को रिहा किया जाए। हमारी यही मांग है महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश से कि आजम खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आजम खान 9 बार MLA रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं मौजूदा लोकसभा रामपुर से, उनके अपने मूल अधिकार हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कारागार में रहने वाले COVID-19 से जो लोग संक्रमित हुए थे उनको छोड़ा था, तो क्या आजम खान सम्मानित व्यक्ति नहीं थे, उनको क्यों नहीं छोड़ा गया? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है आजम खान को नपैद कर दें, ख़त्म कर दें। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, आजम खान नपैद हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य कभी नहीं जा सकते। उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी तैयार करी है जो हमेशा रहेगी, और हमारा नारा भी रहेगा उस यूनिवर्सिटी पे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।